हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको सोया ग्रेन्यूल से कीमा कैसे बनाएं वो बनाना बता रही हूँ। खाने में तो टेस्टी होता ही है, और कभी कभी अगर आपके पास वेजिटेबल कुछ सोचने का ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पाएगी, ये वेजिटेबल नहीं है, तो आप घर में ये जरूर रखिए। न्यूट्रिटिव होने के साथ साथ आप एक नई वेजिटेबल इसके साथ एक नई सब्जी बना सकते हैं। तो देखिए, ये इस टाइप के होते हैं। मैंने ये वाले सोया ग्रेन्यूल्स लिए हैं जिनको मैंने 20 मिनट्स के लिए सोक कर दिया है। हल्का गर्म पानी लेके उसको सोक कर दिया है। ये कुछ इस टाइप के हो गए हैं। वन बिग अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वन ग्रीन चिली चॉप कर लिया है, थ्री क्लव्स को चॉप कर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। थ्री टोमेटोज को मैंने ग्रेट कर लिया है। रेड चिली पाउडर है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और टू टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 बे लीफ, सिनेमन स्टिक, 2 क्लव्स लौंग ली है और घी लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले ये ग्रेन्यूल्स को ऐसे लेंगे, स्क्वीज करेंगे और ये जार में डाल देंगे। ये थोड़े से मोटे हैं, आप एज इट इज भी बना सकते हैं, हल्का सा अगर इसको पीस लेंगे तो ज्यादा मोटे नहीं रहेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा मुश्किल होता है पीसना। मैंने फ्रेश वाटर थोड़ा थोड़ा डाल के इसको करा है। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, कुछ इस टाइप का हो जाए बस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैन गर्म हो गया है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे और दालचीनी डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको भूनेंगे, गार्लिक डालेंगे जो हमने फाइनली चॉप किया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जैसी आपकी सब्जी बनके तैयार हो, आप ये खड़े मसाले उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एरोमा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। अनियन डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये प्याज हमारा भुन गया है, ये देखिए कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा और हम भूनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, हालांकि मैंने इसके सीड्स निकाल दिए हैं, मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, आप अपने अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। और ये सारे जो मसाले हैं, ड्राई मसाले हमने लिए हैं, वो हम इस स्टेज पर डाल देंगे और इसको अच्छे से गैस को स्लो करेंगे और भूनेंगे ताकि हमारे ये सूखे मसाले जले नहीं। घी की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें मैं अब टोमेटो जो हमने ग्रेट किया है, ये करीब हाफ कप है, यानी 3 टोमेटोज हैं स्मॉल वाले तो वो लीजिए, और बिग हैं तो 2 ले लीजिए। ग्रेट करने के बाद हाफ कप है, इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट्स हो गए हैं और ये मसाला जो है हमारा घी छोड़ चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें अब हम ये सोया ग्रेन्यूल्स डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये मैंने हाफ कप लिए हैं, 2 लोगों को सर्व करने के लिए काफी हैं, तो आप शुरू में हाफ कप से बनाकर ट्राई कीजिएगा और जैसे जैसे क्वांटिटी आपको चाहिए आप डबल कर सकते हैं। फिर ये देखिए, अब हम इसको ढककर 2-3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं।
सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं और ये अच्छे से पक गया है, कच्चापन इसका निकल गया है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं, है ना जल्दी से बनने वाली सब्जी। तो ये देखिए यमी से लगने वाली ये सोया कीमा बनकर तैयार है, यानी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप इसे बनाइए, खाइए और मुझसे शेयर कीजिए कि आपका कैसा बना है, आपका कीमा कैसा बना है। थैंक यू वेरी मच।